देखो टेंस का नाम कल बता दिए थे अच्छे से, समझ में आ गया होगा। सुल क्या गो, टेंस का बेटा क्या गो, चार गो, तीन गो, अब तीनों का चार चार गो बेटा, मतलब टेंस का क्या हो गया, पोता। ऊपर से देखें तो टेंस का पोते ना हो गया, नाम याद हो गया ना। चलो काम याद करवाते हैं। बोले थे कि सबसे पहले सिंपल को निपटा देंगे, किसको निपटाएंगे, सिंपल निपट जाएगा बाकी सब निपट जाएगा, निपटाते सिंपल को। देखो जैसे लिखे सिंपल है लिखे, चलो लिख दिए, स्पेलिंग ठीक है ना। तो सिंपल में क्या वो सिंपल पढ़ेंगे पता है, तीन को पढ़ेंगे ना, सब में तीन तीन को पढ़ेंगे ना। तो टाइम के अनुसार जैसे प्रेजेंट वाला और कौन वाला, पास्ट वाला और कौन वाला, यही ना पढ़ेंगे सिंपल में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सिंपल पढ़ेंगे, हाँ नाम बोलेंगे तो पहले किसका बोलते हैं इसमें, सिंपल है सब बोलते हैं ना, बाकी सब में तो प्रेजेंट के बाद बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसे बोलते हैं, लेकिन इस तरह बोले थे नहीं वो बाप से जेठ है, यही वाला तो है, बस पहले अपने बोलेगा तब बोलेगा पापा का, ठीक है आ जाओ। तो सिंपल प्रेजेंट और लास्ट में टेंस सब में बोलना है, ठीक है। उसके इसको बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। चलो तो पहले इसको निपटाते हैं सिंपल प्रेजेंट को, किसको निपटाते हैं, देखो आसान तो है समझते, चलो कुछ नहीं है। अब जो भी खेला बेला है ना सब भर्ब का खेला बेला है, किसका खेला बेला है, देखो क्या है कि इंग्लिश में क्या आएगा, शुरू में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद तुमको भर्ब आएगा, और उसके बाद तुमको क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, या अदर वर्ड्स बोलो जो बोलो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बोले अदर कुछ रहेगा कुछ, यहाँ का मतलब लास्ट में जो बचेगा सब यहीं पे आएगा, ठीक है ना। अच्छा ये मेन स्ट्रक्चर है किसका, इंग्लिश का, ये समझ में आ गया। इसका आंसर हिंदी का भी स्ट्रक्चर होता होगा, हाँ सब भाषा का स्ट्रक्चर होता है। हिंदी का स्ट्रक्चर देखो, हिंदी में ही पहले सब्जेक्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया। उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है, यहां क्या आ रहा था कुछ वाला बाद में, इसमें कुछ वाला सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद आता है वर्ब, तो तुमको देख के बनाना पड़ेगा, दोनों मैच नहीं कर रहा, ये हिंदी का स्ट्रक्चर है। सर इस पे नहीं दिखाइए, थोड़ा एग्जांपल पे दिखाइए, और एग्जांपल पे दिखाते हैं। जैसे बोलेंगे कि मैं हिंदी बोलता हूं, क्या हम बोले मैं हिंदी बोलता हूं, तो देखो तुम्हारा जो मैं है, तुम्हारा ये जो मैं है ये तुमको है सब्जेक्ट, ठीक, ये जो तुम्हारा हिंदी है ये है तुमको ऑब्जेक्ट, ये जो बोलता हूं है ये है तुम्हारा वर्ब, आया हिंदी का स्ट्रक्चर यही ना बना। सर कहां से निकाले आप, तो इसी से निकाले हम, ठीक है ना। अच्छा इंग्लिश का निकाल के देखते हैं, इंग्लिश जैसे लिखेंगे इसका इंग्लिश बनेगा आई हाँ स्पीक हिंदी, इसका बनेगा। तो देखो इसका क्या सब निकलेगा, देखो इसका देखो आई तुमको क्या हो गया सब्जेक्ट, स्पीक बोलना ही क्या है, देखो बोलना यहां था ना, ये बोलना कहां गया, इस बोलता हूं का इंग्लिश स्पीक होता है, तो बोलता हूं कहां पे था, यहां पे कहां आ गया सेकंड में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, और लास्ट में है हिंदी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया। तो इंग्लिश में देखो ये किसका स्ट्रक्चर है, मतलब ये क्या है हिंदी वाला है, हिंदी वाला समझ में आ गया, ये किसका है इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाला भी समझ में आ गया। इसी से इसी को तो हम क्या किए, ये दोनों नहीं लिखे थे, सीधे ये लिख के दे दिए तुमको, मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे हिंदी का देखो, इंग्लिश का क्या है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हिंदी का क्या है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये होता है। मतलब जब भी बनाएंगे तो देखो इंग्लिश, अगर मान लो हिंदी से इंग्लिश करना है हमको, हिंदी सीखना है हिंदी से इंग्लिश, तो मैं का लिख देंगे आई झ खत्म है, लेकिन उसके बाद हिंदी का लिखेंगे नहीं नहीं, नहीं। लास्ट में चल जाएंगे, कहाँ चल जाएंगे, इसका मतलब दूसरी भाषा में कह सकते हैं उल्टा, मतलब अगर एक नंबर में सब्जेक्ट का बनाएंगे तो दो नंबर में वर्ब का बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट का, वर्ब का बनाएंगे, देखो दो नंबर ये बनाएंगे, तीन नंबर में ये बनाएंगे, यही ना होगा,
दूसरे भाषा में समझेंगे तो, अगर इसका बनाना है तो ऐसा हो सकता है दो नंबर में इसका बना देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आई हिंदी स्पीक, ऐसा हो जाता ना, ऐसे नहीं बना ठीक। अच्छा सब्जेक्ट और सॉरी इसमें देखो इंग्लिश वाला में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब में रहेगा, मेन खाली वर्ब बदलेगा तुमको, क्या बदलेगा वर्ब। तो सर वर्ब कैसे बदलेगा थोड़ा दिखाइए, देखो इसका वर्ब कुछ और होगा, इसका वर्ब कुछ और होगा, इसका वर्ब कुछ और होगा, आए समझ में क्या कहना चाह रहे हैं, इसका वर्ब कुछ और, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें भी होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें भी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से वर्ब बदलेगा, क्या बदलेगा देखो दिखाते हैं वर्ब को बदल करके। जैसे इसमें जो आएगा तुमको देखो, पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा फिर तुमको वर्ब का पहला रूप आएगा, क्या आएगा नहीं या कभी कभी वर्ब का पांचवा भी आएगा, तब जाके तुमको आएगा ऑब्जेक्ट। किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का क्या आया, ये तो सब में आएगा, तो भूल जाओ इसको, सिर्फ इस पे नजर रखो, किस पे नजर रखेगा, हाँ वर्ब पे। सिंपल देखो कौन टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है ना, तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का क्या मा पाला, और तो सर हमको पाला पते नहीं है, पचमा पते नहीं कैसा होता है, अभी बता देंगे आराम से, पर ये तो जानगे ना कम से कम कौन सा आएगा पाला और पचमा, ठीक है। इसमें देखो क्या आता है, कॉपी हटाओ, इसमें देखो क्या आता है, इसमें तुमको आएगा सब्जेक्ट तो आएगा ही, उसके बाद वर्ब का पाला तो इसमें दूसरा आएगा, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या बोले, इसमें वर्ब का क्या मा पाला, इसमें क्या मा पचमा, दो गो आया, इसमें एक के गो है, वर्ब का क्या मा दूसरा। इसका मतलब सर हमको वर्ब को जानना पड़ेगा, क्योंकि कभी पहला कभी पचमा कभी दूसरा, जानना पड़ेगा ना। अच्छा इसमें देखो क्या आता है, इसमें जो वर्ब आएगा तुमको वो आएगा, पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा सेल या विल, सेल या विल, फिर आएगा वर्ब का पहला, फिर जाके ऑब्जेक्ट। देखो पहले सब्जेक्ट आया, फिर क्या आया सेल या विल, क्या आया सेल या विल, फिर वर्ब का पहला, फिर ऑब्जेक्ट। तो बताओ इसमें पहला आया कि नहीं आया, पहला किसके साथ आया सेल या, इसमें दूसरा आया कि नहीं आया किसके साथ, किसी के साथ नहीं, अकेले आया ना, इसमें अब कम आया पहला और किसके साथ अकेला, मतलब ये आया दुकेला, ये किसके साथ दुकेला, जब ये किसी के साथ आ गया तो दुकेला, किसी के साथ नहीं आया तो देखो V1 V5 इसमें अकेला आएगा, इसमें V2 अकेला आएगा, इसमें V1 दुकेला आएगा, ऐसा है ना ठीक है। अच्छा ये तो तुमको बनाने का तरीका है, अब दिखाते हैं सर हमको पहले वर्ब का पहला तो दिखाइए कैसा होता है, पचमा तो दिखाइए कैसा होता है, दूसरा तो दिखाइए कैसा होता है, ये दिखाना पड़ेगा, पहले इच्छा पलो देखो, बताओ अब तुमसे पूछेंगे सब बता देगा किसमें कौन सा वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिक्स है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आएगा ना, बस तुमको वर्ब क्या रहता है बदलते रहता। अच्छा सारा खेला वेला वर्ब का ही है, और पूछेगा सर कोई भी चैप्टर तो सारा खेला वेला किसका रहता है, बस वर्ब ही नाचता है पूरा इंग्लिश में, जिसको वर्ब का खेला वेला समझ में आ गया उसको इंग्लिश समझ में आने लग जाएगा, और तुमको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब तुम वर्ब का खेल नहीं समझ रहा है, ऐसा ना, सब खेल किसका है तो वर्ब का खेल जानते हैं, तो देखो क्या खेल देखो नहीं सामने नजर आएगा तुमको, सब में सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट था कि नहीं, ऐसे पहले लिखाए थे तो सब में क्या था सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट था, सब में सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब सेम था कि अलग अलग था, वर्ब में ना चेंज हो रहा है कि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है कि ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, तो बस वर्ब को चेंज कर मतलब चेंज करना जान लो कैसे चेंज होता है। देखो बताओ जरा इसमें वर्ब का क्या मा पहला और क्या मा पांचवा, याद हो गया होगा, इसमें वर्ब का क्या मा दूसरा, याद हो गया होगा, इसमें वर्ब का क्या मा पहला, पहला किसके साथ सीधे पहला, तब तो यही वाला हो जाएगा, हाँ सर सेल लिखिए पहले चुपचाप, उसके बाद क्या लिखिए विल लिखिए, उसके बाद वर्ब का क्या मा लिखिए पहला लिखिए। अच्छा एग्जाम में अगर क्वेश्चन दागेगा तो क्या करेगा पता है, सेल विल दाग दिए रहेगा, या तो सेल या तो विल दाग दे रहेगा, आगे पूछेगा या आगे गलती करके देगा, सेल विल के साथ हमेशा वर्ब का पहला होता है, क्या मा होता है पहला, और पूछेंगे याद रहेगा बताओ, सेल या विल के साथ हमेशा वर्ब का क्या मा होता है पहला, इसके अलावा कोई देखे समझ जाना गलती है, इसके अलावा कोई भी दिखे तुमको तो समझ जाना क्या है गलती है, और यहाँ पे दूसरा रख दिए, तीसरा रख दिए, चौथा रख दिए, पांचवा रख दिए, आसान नहीं है इंग्लिश समझ में आ गया ना, एग्जाम देखना गलती करके देगा तुमको,
पकड़ने लेगा, तुमको बुरबक बनाएगा। तुम बुरबक है? नहीं। उसको बुरबक बना देगा तुम? यस। बना देना तो कैसे बुरबक बनाएगा? तुम यही, तुम दूसरा वाला सही करके आ जाएगा। नहीं। देखना दूसरा है, गलती है, काट दे रहा उसको, ठीक है ना? चलो क्या होता है, हाँ स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल परजिन को सीखेंगे। किसको सीखेंगे? सीख तो गया सर, वर्ब का क्या लगाना है और क्या लगाना है, तो वही तो सिंपल प्रेजेंट है। कोई पूछेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस तो क्या क्या बोलेगा तुम? सर वर्ब का पहला पचमा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, यही ना होता है? बस शुरू में सब्जेक्ट, लास्ट में, तो बताने का जरूरत नहीं, आपको पता होगा, सब में आता है। एगो में आएगा, बारहो टेंस में आएगा। बारहो टेंस में शुरू में सब्जेक्ट, लास्ट में, और बीच में खाली वर्ब चेंज होगा, यही ना बताना चाह रहे हम? सब में, शुरू में सब्जेक्ट, बाद में बोल देगा इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। बोल तो सिंपल प्रेजेंट का कोई स्ट्रक्चर पूछेगा नहीं, बता देगा। क्या बताएगा? एस नहीं बोलो, सब्जेक्ट बोलो, सब्जेक्ट बोलो बी वन। अच्छा इसका मतलब या तो बी वन या तो, हाँ बोला करो। तो क्या बोलेगा? पूरा बोलो एक साथ, सब्जेक्ट प्लस बी वन या बी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा सिंपल पास्ट का बोलो तो बी टू प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा सिंपल फ्यूचर का बोलो तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। सेल विल नहीं, सेल या विल। अच्छा सेल या विल का मतलब या तो सेल आएगा या तो विल आएगा, दोनों में से एक आएगा। तो सर हम कैसे समझेंगे एक आएगा, कौन आएगा? छांटना सिखाएंगे, जो बताएंगे तो बता देगा ना कि कब सेल आएगा कब विल आएगा, बात खत्म है। लेकिन दोनों में से एगो आएगा, आएगा। उसके बाद भी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो जाएगा। चलो सिंपल प्रेजेंट में देखते हैं। मेन भी वन, पहले भी फाइव को समझो क्या है। देखो भी वन भी फाइव को समझने के लिए तुमको वर्ब को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? वर्ब। देखो चलते हैं, देखो वर्ब में ना, जैसे रावण को जानता, रावण को चिंता है, रावण का क्या गो मुंडी है, याद है? दस गो। कि रावण दस गो, सो बता पहले हमको, रावण क्या गो? रावण एक गो, लेकिन रावण का मुंडी क्या गो? बस ये रावण का छोटका भाई है, रावण का छोटका भाई, पांच गो मुंडी है। क्या मुंडी है? रावण एक गो, रावण का मुंडी दस गो, वर्ब एक गो लेकिन वर्ब का मुंडी पांच गो। तो देखो मुंडी बनाया पांच गो, देखो पहला मुंडी इक्यामा मुंडी, दूसरा मुंडी इक्यामा मुंडी, तीसरा मुंडी इक्यामा, चौथा इक्यामा, पांचवा। बात समझ में आ गया? क्या मुंडी किस किस का? भर्व का, भर्व का ना, किसका पांच गो मुंडी? हाँ कि अच्छा रावण क्या गो? रावण का मुंडी, रावण का मुंडी दस गो। अच्छा कि रावण दस गो, रावण का मुंडी, रावण क्या गो? सर रावण एक गो, ये बात याद रहेगा तुमको? इन्हें कर लेगा कि वो रावण है दस गो, समझ में आ गया? वही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी। वर्ब क्या गो? वर्ब का मुंडी, वर्ब क्या गो? वर्ब का मुंडी कहाँ से कहाँ तक? भीवन से कहाँ तक? वन टू थ्री फोर तक करना है, याद है तुमको? भीवन से कहाँ तक? तब तुम दूसरा तीसरा चौथा नहीं बोलेगा, बता दो कौन कौन? बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव, यही सब ना टकरा रहा है। देखो बी वन टकराया, देखो बी फाइव टकराया, या देखो बी टू टकराया, या देखो बी वन टकराया, ई नहीं टकराया, अभी टकराएगा कहीं ना कहीं टकराएगा। बारह को टेंशन है, बारह टेंशन में सब टकराएगा तुमको, यही सब टकराते रहेगा। तो जब यही सब टकराएगा तो इसी को निपटा लेते हैं, बोले समझ में आ गया ना? बार बार टकराएगा ना, निपटा लेंगे, टकराएगा तो समझ जाएंगे। चलो पहले भी वन और भी टू कौन कौन अपने निपटा दे, सर कौन कौन निपटा दे? पहले पहले भी वन और भी फाइव को निपटा दीजिए। अगर जब ये निपट गया तो मतलब टेंस हमको आ गया, नहीं आ गया? और भी वन और भी फाइव निपट गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आ गया, और निपटा दे भी वन को। कुछ नहीं, वर्ब का पहला है ना, देखो वर्ब का पहला कैसे बनेगा सो देखो। जो भी हिंदी होगा ना, जो भी क्या होगा हिंदी, उसका जो इंग्लिश होगा वो भी वन होगा। सर उससे पहले भी वन से पहले हमको वर्ब तो बताइए, भी वन से पहले क्या बताइए? वर्ब कुछ नहीं है, काम को बोलते हैं वर्ब, पहले ये समझ लो। किसको बोलते हैं? कोई भी तुम्हारा काम होगा ना, उस सबको तुम आज से क्या बोल देगा? तो सर काम तो बहुत है, जैसे पढ़ाना, पढ़ा रहे है, मेरा काम है कि नहीं? तो बता पढ़ाना वर्ब है कि नहीं? अभी लिख रहा है, तुम लिखेगा तो लिखना काम है ना, वो क्या है? काम ही को ना वर्ब बोलते हैं। इसको समझो, ये समझ में आ जाएगा। तो सर दुनिया में करोड़ों काम होगा, हाँ तो करोड़ों वर्ब होगा, ऐसे ना? दुनिया में काम क्या होगा? करोड़ नहीं है तो करोड़ों काम है तो वर्ब क्या होगा? तो वर्ब होता हिंदी है, नहीं होगा, समझ में आ गया ना? बस जिसका भी हिंदी, अच्छा जैसे अभी हम क्या किया है, छापे है, हम छापे ना बोर्ड पे, तो छापना क्या है? काम है, काम है तो क्या है? तो सीधे आप बोल देगा
अब काम बोलेगा कि सीधे बोलेगा भर्ब? तो बता छापना, तुम लोग भी छापेगा, वो भी क्या है? अच्छा अभी देख रहा है सामने, देखना भर्ब है कि नहीं, कि देखेगा, देखना ही तो तुम्हारा काम है, नहीं देखेगा तो सीखेगा कैसे? अच्छा देख लिया, एक काम हुआ, देखने के बाद सीख लिया, वो भी काम हुआ, तो सीखना क्या है? समझ में आ रहा है? दौड़ना क्या है? पढ़ना क्या है? पढ़ाना क्या है? उठना क्या है? सूतना क्या है? खाना चापना क्या है? चापना भर्ब है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, जितना बात हम बोले सबके लास्ट में हम ना बोल रहे थे, नहीं गौर किया होगा तुम, सबके लास्ट में क्या बोले थे? आओ दिखाते हैं, जैसे अभी भीवन पे काम कर रहे हैं, किस पे सीख रहे हैं अभी हम? हाँ, भीवन निपटाते हैं, किसको निपटाएंगे? और निपटाते हैं जैसे भीवन को, जैसे हम बोले खाना, क्या बोले? खाना, भर्ब है कि नहीं? ठीक है, हम बोले सोना, बता जरा भर्ब है कि नहीं? हम बोले जाना, भर्ब है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हम बोले आना, भर्ब है कि नहीं? हम बोले लिखना, भर्ब है कि नहीं? सर कितना लिखेगा? हो गया, बुझ गया? नहीं बुझ गया, मतलब लिखते जाएंगे भर दिन, खत्म होगा? नहीं सर, बहुत काम है। देखो खाना काम है, नहीं खाएगा तो पेट कैसे भरेगा? सोना काम है, नहीं सोएगा तो फिर हेल्दी शरीर कैसे आएगा? जाना काम है, नहीं अभी आता जाता तो पर सीखेगा कैसे? आना काम है, घर वापस नहीं आएगा तो फिर यहीं बैठा रहेगा, काम है कि नहीं? लिखना, नहीं लिखेगा तो फिर घर पे रिवीजन कैसे करेगा? काम है कि नहीं? ये सब तुमको क्या है? तो सब अगर काम है तो सब क्या है? इसका मतलब सब वर्ब है, ये सब क्या है? लेकिन वर्ब है तो वर्ब में तो पांच गो कैटेगोरी है। कौन बला है? ई बला है, की बला है, की बला है, की बला है, की बला है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, मतलब कोनो एगो इसमें से कौन होगा ना, कि हमको पता है कि भर्ब है तो भर्ब है तो पांच को मुंडी है, तो इस पांचों में से कौन एगो मुंडी होगा, तो वही तो अभी हमको पकड़ना है कि कौन है। देखो हिंदी का जो इंग्लिश होता है वो भीवन होता है, भीवन का ट्रिक बता दी यहाँ पे, ट्रिक याद रहेगा? सबका ट्रिक बता दे चल जाएंगे, ट्रिक से हमेशा याद रहता है, जीवन भर याद रहेगा। कोई पूछेगा भीवन तो तुम क्या बोलेगा? हिंदी का जो इंग्लिश होता है, हिंदी का इंग्लिश होता है, तो वो भर्ब का कैमा होता है, पहला होता है, नहीं हो जाएगा वो कैमा होगा पहला, तो हिंदी है ये। अब इसका इंग्लिश जरा बता दो हमको, खाना का इंग्लिश क्या होगा? इट। बताओ भर्ब का कैमा है? सोना का इंग्लिश क्या होगा? बताओ भर्ब का कैमा है? जाना का इंग्लिश क्या होगा? वो बताओ भर्ब का कैमा है? आना का इंग्लिश क्या होगा? कम। बताओ भर्ब का कैमा है? लिखना का इंग्लिश क्या होगा? बताओ भर्ब का कैमा है? अरे सर गजब, पहला याद हो गया कि नहीं? हो गया, मतलब तुमको जितना इंग्लिश आता होगा, तुमको जितना इंग्लिश आता होगा उतना भीवन आता होगा। आया समझ में क्या बोलना चाह रहे हम? तुमको जितना इंग्लिश आता होगा उतना क्या आता होगा? यही ना होता होगा। कोई तुमको पूछेगा कि कितना भीवन आता है, तो वही जितना तुमको वोकैब आता होगा, जितना मीनिंग आता होगा। ये तो मीनिंग है ना, खाना का इंग्लिश क्या होता है? तो मीनिंग पता था, मतलब मीनिंग पता था तो इंग्लिश पता था, इंग्लिश पता था, इंग्लिश पता है तो तुमको क्या पता है? बस तुमको पता नहीं था। अच्छा यही तो भीवन है, ऐसा ना? तो तुमको भीवन पता था कि नहीं पता था? नहीं पता है तो मान लो, अच्छा कोई ऐसा भी काम टकराएगा जिसका इंग्लिश तुमको पता ही नहीं रहेगा, हो सकता है ना? बहुत ऐसा करोड़ों भर में करोड़ों याद होगा, हमको याद होगा करोड़ों, हमको खुद नहीं याद होगा, लेकिन काम चलाओ याद होगा, जो बार बार जीवन में काम पड़ता है, जो रोज काम पड़ता है वो याद होगा, जो बार बार सुनता होगा याद होगा, और जो नहीं सुनता होगा याद नहीं होगा, यही ना होगा? जो बार बार जैसे खाना बार बार सुनते हैं तो याद था, सोना बार बार सुनते याद था, कुछ ऐसा टकराएगा तो याद नहीं रहेगा, ऐसा ना? चलो देखते हैं, इस सब तुमको भर्ब का क्यामा है बता देगा? बताओ तो इट क्यामा है? स्लिप क्यामा है? गो क्यामा है? कम क्यामा है? लिखना क्यामा है? चाहना क्यामा है? चाहना, हाँ तो चाहना सब पहले होगा, इसका इंग्लिश बताइए, चाहना का इंग्लिश पता है? नहीं पता है, मान लो चलो, तो चाहना का इंग्लिश वांट होता है, क्या होता है? तो बताओ पहले बोल दी, जब ये लिखेंगे चाहना का इंग्लिश वो क्यामा होगा? सर ये पहला होगा, क्यामा होगा? पहला ही तो सीख रहे हम, पहला याद हो गया। देखो जिसको पहला आता है वो पहला से ही बनता है दूसरा, पहला से ही बनता है तीसरा, पहला से ही बनता है चौथा, पहला से ही बनता है पचमा, ये बात समझ में आ गया? सब क्यामा से बनेगा, इसका मतलब सर यही तो दूध है, यही कथी है? दूध, दूधे से बनेगा खीर, दूधे से बनेगा मक्खन, दूधे से बनेगा दही, दूधे से बनेगा मिठाई, दूधे से बनेगा पनीर, बुझाया? समझ में आया? मतलब सब खेला वाला किसका है? दूध का। नहीं कौन से बनता मिठाई, किसे बनता है? पनीर, खोआ, खीर, समझ में आ गया? सब किसे बनेगा? दूध को समझ गया?
अब खैर बनाना सिखाइए, मिठाई बनाना सिखाइए, खोआ बनाना सिखाइए, पनीर बनाना सिखाइए, खीर बनाना सिखाइए, यही ना। तो अभी हमको सब बनाना सीख ले, चलो पहले इसका नाम रखते हैं। ये तो पता है कि ये तुमको क्या है, V1 क्या है, दूध। ये तो पता चल गया सर, ये क्या है, चलो बताओ इसका नाम क्या रखे, दही। लो दही, इसका क्या रखे, लो खीर। अपने मन में इसका क्या रखे, मक्खन। मिठाई, इसका क्या रख दे, मिठाई। लो हो गया, ठीक है ना, बनाना सीखना है ना। पहले कथी बनाना सिखा दे तुमको, सर दही बनाना सिखाइए, पहले खाना खाना है उसका चाप देंगे कल हो जाए ना। तो पहले क्या बनाना सिखाते, दही। आधा दही बनाना सिखाते, दही से आसान, पहले अभी दही का काम है तुमको, अब किसका काम है ये देखो, अब तुमको पचमा का काम है ना, तो पहले मिठाई बना लेते हैं क्या, जब दही का जोत पड़ेगा तब बनाएंगे, दही तो लास्ट में चलता है ना, समझना कि दही पहले, अब मिठाई तो लास्ट टाइम है, तो मिठाई बनाइए पहले, ध्यान मिठाई पर है, अच्छा मिठाई बनाते हैं। तो देखो मिठाई किससे बनेगा, दूध से बनेगा, ठीक है। लो दूध को लाते हैं यहाँ पर, हम कहाँ पे लिखे, चलो V2 बनाते हैं। अच्छा यहाँ V1 सिखाते ना, V1 का ट्रिक था ना, ठीक था, V2 का ट्रिक दे लो, V2 कैसे बनेगा सो देखो, V2 बनाना कुछ नहीं है, जो बनेगा किससे बनेगा, दूध से बनेगा ना, दूध लिख दिए, V2 बनाएंगे, सॉरी गलती बना दें हम, V5 ना, हाँ हाँ V2 तो लास्ट में बोले, इसके बाद जब जोत पड़ेगा तब ना, जब क्या पढ़ेंगे, जब सिंपल पास्ट पढ़ेंगे तब सिखाएंगे क्या, फिलहाल सिंपल प्रेजेंट ना, तो V1 तो जान गए, सही V5 कुछ नहीं है, V1 से ही, अच्छा V5, हाँ V5 ठीक है ना, देखो V5 बनाना ना, तो V1 में जोड़ दो, V1 में क्या करो, जोड़ दो, V1 के लास्ट में जोड़ते हैं, कहां पर जोड़ेंगे, लास्ट में, V1 में जोड़ दो, या तो S जोड़ दो या तो ES जोड़ दो, हो गया। आसानी है मिठाई बनाना, मिठाई कैसे बनाते हैं बता दो, कैसे बनाएगा मिठाई सर, V1 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कथी जोड़ देंगे, या तो सर S जोड़ दीजिए या क्या जोड़ दीजिए, कथी बन जाएगा, V5 मतलब मिठाई, कथी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, समझ में आ गया ना, दूध को फाड़ दिए, छेना निकाल दिए, दूध को क्या किए, कथी निकाल दिए, ये तो छेना है, ऐसी छेनता है, अच्छा ना, अब बस बन गया क्या तुमको, अब चेक करें, अब चेक करते हैं, ये तो V1 सीखे थे, अब क्या सीख लिए, V5 सीख लिए, एग्जांपल देख लेते हैं ना, देखो बार बार काम पड़ेगा अभी तुमको। अच्छा किसका बनाए, ईंट का बनाए, देखो तो ईंट का पचमा बनाना ना, चलो ईंट में क्या करेंगे सर, S या ES जोड़ दे, ईंट में S जुड़ेगा, देखो क्या हो गया तुमको, ईंट हो गया ना, हो गया, जरा बना तो, स्लिप का क्या बनेगा सर, स्लिप में आप जोड़ दीजिए ना, पहले जोड़ के दो बार 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 लिख दिए, सीधे हो गया पचमा ना, सीधे क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे देते, लो अब ठीक है ना, अच्छा स्लिप है ना, स्लिप, स्लिप में क्या जोड़ दे, देखो क्या हो गया, स्लिप, आसान तो है सर, नहीं आसान है, अच्छा गो का बनाओ तो, हाँ गो में ई एस जुड़ेगा, हाँ गो में क्या जुड़ेगा, ई एस, तो क्या हो जाएगा, बोझ, नहीं हो जाएगा, आसान है कि नहीं, बस तुमको कभी दिक्कत होगा, कभी सोचेगा सर एस लगाए कि ईएस लगाए, इसी की जाएगा तुम, घबराने की जरूरत, तुमको जो मन करे उसको लगाना, और देखना एस सेट हो रहा तो एस सेट कर देना, ईएस सेट हो रहा तो यस, या हम अपने लिखते चले गए, तुम देखते चले गए तो अपने सीखते चल जाएगा, हम तो लिखेंगे ना, जब जब जरूरत पड़ेगा, हम अगर ईएस लगाए तो तुम बुझाना ईएस लगता है, हम एस लगाए तो बुझाना एस लगता है, उतना छीनने का जरूरत नहीं है, ये अलग चैप्टर का है, बस बता दिए कभी एस कभी yes. तो देखो ना, अब इट में एस लगा है, स्लिप में एस लगा लेंगे, गो में क्या लगा है, yes. Yes. दुगा और है, कम का बना दो, कम में एस जुड़ता है, तो देखो पहले से ई लगल है, पहले से क्या लगल है, तो चुपचाप क्या लगेगा, ऐसे ही सीख जाएगा तुम, एक और बचल है, हो गया ना, राइट है, हाँ राइटो में क्या लगेगा तुमको, देखो का है सर, ई तो पहले से लिखल है, तो झंझटे खत्म है, तो क्या हो जाएगा, राइट हो गया, पचमा बनाने आ गया, ये पचमा का खेला है ना, अब तुमको जरूरत पड़ेगा ना, क्या मा का पहला का, और अब सिंपल प्रेजेंट सीख सकते हैं, अब सिखाए अगला, इसको छाप लो, देखो तो तुमको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया, कि भर्व का पहला कैसे बनेगा, अब भर्व का बता देगा, आंख बंद करके बताओ कि भर्व का पहला कैसे बनता है, आंख बंद किया, बंद करो, देख खुल जाए इसका, बंद करो जी, गजब है, बंद करो, हाँ बताओ भर्व का पहला कैसे बनेगा,
फिर भी कॉपी खोल रहा देखता है। हाँ तो बताना था, देखो ऐसी जोड़ के भारत का पहला बना देगा, ये देखता है यही सीखा ही। एक दिमाग महिला वाला हो गया है ना, भारत का पहला कैसे बनेगा, लिख ले अभी तक सर हिंदी का वो क्या हो जाएगा, भारत का क्या मां नहीं याद हो गया। हाँ चलो, मतलब हिंदी का इंग्लिश आता होगा तो भारत का पहला आता होगा, और नहीं आता हो जाके गूगल ट्रांसलेट कर लेना, गूगल पर सर्च कर लेना क्या होता है, जो भी देगा वो क्या मां होगा। अब तुमको बनाना क्या मां है, पचमा ना बनाना है सर। अभी हमको जोत पड़ेगा पचमा का, किसका जोत पड़ेगा पचमा का, तो पचमा कैसे बनेगा, पचमा बनाना है, पचमा कैसे बनेगा सर जोड़ दीजिए क्या। हाँ बी वन में जोड़ेंगे कि बी टू में, अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी दही बनेगा तो किससे बनेगा, अच्छा खीर बनेगा तो, मक्खन बनेगा तो, मिठाई बनेगा तो, ये बात याद रखना। ऐसा मत कर देना कि दही से तुम बना देना खीर, ये कैसे होगा, होगा जी। अगर दही से मक्खन बनेगा, दही से मिठाई बनेगा, सब किससे बनेगा, मतलब एक तरफ भी वन फिक्स रहेगा, जैसे बनाएंगे कुछ बनाएंगे तो एक तरफ क्या रहेगा, आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब तुमको बस जोड़ना है ना, तो क्या जोड़ेंगे इसमें सर, एस या एस जोड़ दीजिए चुपचाप, क्या बन के तैयार हो जाएगा, बनाना सीख चुके हैं, चेक करे। अच्छा तुमको कितना भी फाइव याद है बताओ, जितना आसमान में तारा है उतना भी भाग तुमको याद है, बता दे, तुमको नहीं पता आज पता चला, कैसे चेक करें देखो कैसे होगा। जैसे कोई पूछा अभी रास्ता जाएगा, रे कदी पढ़ा है कहना सर बी वन बी फाइव सीखा है, सिंपल प्रेजेंट का बताया है, स्ट्रक्चर बता दिए है, बी फाइव याद करवाया है, बी वन याद करवाया है, बोला बी फाइव हमको आसमान में जितना तारा है उतना बी फाइव हमको याद है, पूछेगा तुम्हारा पूछिए, बोले पूछ, बोलेगा ये पूछे तुम्हारा पूछिए, वो बोलेगा भी वन और तुम ऐसी चिपका देना, वो बोलेगा क्या भी वन ना, जो बोलेगा क्या बोलेगा, और तुम क्या करना, वो बोला राइट तुम बोला राइट, वो बोला गो वो बोलेगा गो, तुम बोला गोच, वो बोलेगा कम तुम बोला कम, नहीं हो जाएगा। अब वो सोचे अपना भी वन याद है कि नहीं याद है, बस तुमको क्या करना है, तैयार रहना है ऐसी चिपकाने के लिए। हम जैसे हम पूछते अभी, हम बोले कम कम राइट गो इट, नहीं हो जाएगा। पर हमको अब देखना पड़ेगा कि हमको भी वन कितना याद है, तुमको क्या करो सिर्फ एस एस चिपकाना है ना। अब सामने वाला सोचेगा अपना, अगर उसको भी वन नहीं याद होगा, कितना याद होगा 50 गो 500, तो तुमको 5 करोड़ याद है, बस तुमको क्या चिपकाना है, क्या है तुमको ट्रिक पता है, इसलिए कि तुमको क्या पता है। हाँ सर तुम हमको ट्रिक बता दिए ना, इसलिए तो ट्रिक से याद करेंगे तो करोड़ याद हो जाएगा, रटेंगे तो नहीं रटाएगा, रास्ते में भूल जाएगा, अभी जाएगा छुट्टी होगा ऊपरे में छोड़ देगा, तुम नीचो नहीं लेके जाएगा, साइकिलों के पास नहीं लेके जाएगा, आया समझना, ठीक है ना। तो तुमको अब सब खेला मेला किसका है, भीमन और भीमन और भीमन नहीं पता है, भी फाइव नहीं पता है। देखो जैसे हम एगो लिखते हैं, जैसे लिखे हम बोलना का, हाँ तो बोलना का भीमन बता दो सर, स्पीक होता है भीमन, बोलना का भी वन क्या होता है, अच्छा बोलना का पचमा बताओ तो नहीं हो गया, ऐसा ना बताओ, ये तुमको अगर पूछेंगे ये स्पीक क्या माँ है तो क्या बोलेगा, पाला पूछेंगे स्पीक्स क्या माँ है तो क्या बोलेगा, याद हो गया ना। अब बार बार तुमको इसका खेला वेला है, किसका खेला वेला है, भी वन और भी फाइव का, कभी बोलेंगे भी वन कभी बोलेंगे भी फाइव, जैसे कभी बोलेंगे हम बोलेंगे मैं बोलता हूं तो बोलेंगे आई स्पीक, मैं बोलता हूं क्या बोलेंगे, अब वह बोलता है ही स्पीक, मैं बोलता हूं आई स्पीक, अब वह बोलता है ही स्पीक, तो कभी क्या बोल रहे हैं, आई बोले तो क्या बोले हैं, ही बोले तो क्या बोले, समझ में आ रहा है, बदलता है बदलता है। अब कौन किसके साथ कौन लगेगा बताएंगे अभी, अब अगला क्लास बताएंगे, घबराओ मत, पर इतना जान लो कि भी वन लगता है भी फाइव, वहां फिर भी वन भी फाइव नहीं बताएंगे, तब मत सोचना कि अपने मन सर एस लगा देते हैं, अपने मन लगाता है, कॉन्सेप्ट है उसका, क्या कॉन्सेप्ट है ये तुमको क्या है, कॉन्सेप्ट ना है इसका, कॉन्सेप्ट अगर पूछेंगे तो बता देगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है सर, भी वन या शुरू में सब्जेक्ट, शुरू में सब्जेक्ट बाद में, वो तो फिक्स है, नहीं भी बोलेंगे तो लिखेगा ना, हाँ उसके बाद बी वन या, अच्छा सिंपल पास्ट का कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल फ्यूचर का कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी वन प्लस
ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट समझा है ना, तो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अब बस तुमको ये याद करवाना है हमको कि कहां बी वाना कहां बी पर याद रहेगा, बस लिख दे, लिख देते हैं, कल याद होना चाहिए। वो चार्ट देते हैं कल, जो पड़ेगा तुमको इसका याद करके आएगा चार्ट। तुम कौन चार्ट बनाते हैं, V1 B5 वाला ना, V1 B5 लो। अब दो को चार्ट बना दिए, किसके साथ भी माना किसके साथ, समझना। कुछ शाकाहारी है कुछ मांसाहारी है, क्या बोले तुमको हम, कुछ क्या है शाकाहारी है कुछ क्या है मांसाहारी। शाकाहारी वाला चुपचाप पनीर तो नहीं खाएगा, आलू का गोभी, आलू गोभी का सब्जी और हम थोड़े का भुजिया, लेकिन मांसाहारी वाला समझ गया ना, मछलियों घिस देगा, मुर्गो मुर्गियों घिस देगा, समझवा गया ना। चलो ठीक है, अंडा उंडा सब घिसेगा ना, तो ये मांसाहारी है बेचारा, आई क्या है तो देखते पहले शाकाहारी में कौन सा है। हाँ चलो इसमें एक आइटम आ जाओ, चिंता करते हैं, लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ याद करना सामने में, तुम का अलग बैठ जाता है, समाज से अलग घुसा उसमें दिक्कत होता है, हमको उधर देखना पड़ता है, तो देख के पढ़ाते ना। चलो मन लगता है, देखो ब्याह करा तो उसको मन लगेगा, उसको मन लगता है, ब्याह करवा दे चाली चाली जाएगी तो अपना मन लगेगा ना। आ जाओ, हाँ देखो देखो आई के साथ लगाना V1, याद हो गया, भूलेगा कहिया नहीं भूलेगा, सात जन्म नहीं भूलेगा ना। चलो आठवां जन्म हमको क्या पता तुम रहेगा कि नहीं रहेगा, सात जन्म तो होता है सुने हैं, ये सात जन्म नहीं भूलना है, उसके बाद भूल जाना। क्या दोनों कुछ हलन करो, क्या बोले थे ले जाओ। हाँ देखो आई है ना, देखो दूसरा देखो आई के बाद वी, वी के साथ भी तुम क्या लगाएगा, कल पूछेंगे हम आई के साथ क्या लगाएगा, बी वन। वी के साथ क्या लगाएगा, यू के साथ क्या लगाएगा, डे के साथ क्या लगाएगा, बी वन। कोई भी अगर एक से ज्यादा का बात हो, एक से ज्यादा को बोलते हैं मैनी, एक से ज्यादा क्या बोलेंगे तुम लोग, अभी एक एक लड़का की एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा तो क्या है टीचर, अभी समझवा ना, हम अभी क्या है? तो हम तो इसमें नहीं आएंगे, हम इस कैटेगरी में आएंगे नहीं 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 नहीं। जब ये मान लो ब्याह था, अब कुछ शाकाहारी भी आएगा कुछ मांसाहारी भी आएगा, तुम देखें अच्छा मांसाहारी वाले उधर बैठा, उस रूम में बैठा, शाकाहारी इधर बैठा उधर मांसाहारी है, बोले बोलते हैं इधर बैठा, वही तुमको करना पड़ेगा, छापना पड़ेगा देख करके, तुम देखा V1 में वी कहां जाएगा, यू कहां जाएगा, दे कहां जाएगा, मैनी एक से ज्यादा वाला कहां जाएगा, जब एक से ज्यादा लोग एक साथ आ रहा है, दो लोग आ गया तो V1 के साथ, तीन को आ गया V1 के साथ, चार को आ गया, और कोई अकेला आएगा नाम से वो किसके साथ जाएगा, समझ में आ गया। और एक से ज्यादा आएगा किस में जाएगा, एक से ज्यादा आएगा तो बस यही बात तो है, हो गया खत्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, यही ने बताया था। अच्छा इधर लिख दे, अच्छा जो सब इधर नहीं लिखा ले वो सब इधर आएगा, जो सब इधर नहीं लिखा ले वो सब किधर आएगा, देखो उधर ही लिखल है, इधर सी लिखल है, इधर इट लिखल है, इधर वन लिखल है, सब किधर आएगा, अब समझ में आ गया। देखो तो बताओ कौन कौन लिखे, हाँ सर ही लिखे, तुम बताओ क्या लिखे, सी इट, और बोलो, और इधर मैनी है ना, इधर क्या आगा, हो गया खत्म। मैनी है, मन का मतलब समझा, देखो मन का मतलब जैसे हम बोले बॉय लड़का, तो बता लड़का एक एक, एक से ज्यादा है, अब बॉय में एस लगा देंगे तो बॉय अनेक हो जाएगा ना, तो इधर आएगा कि उधर आएगा, समझा गया ना, V1 में। देखो ये चार्ट तुम रट लो, समझ में आ गया ना, ये चार्ट तुम क्या करो, अब बोल देगा तो बताओ ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, वन के साथ, बॉय के साथ, बॉय वन है कि मैनी है, वन है, बॉय क्या है, तो वन लिख दिया, तो लिखने का जोत नहीं था, ये वन ने है, समझ में आ गया ना। जैसे देखो जैसे हम बोले कि गर्ल, बताओ गर्ल वन है कि मैनी है, वन है, गर्ल क्या है, अच्छा गर्ल में एस लगा दो, एक एक गर्ल हो गया कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा है तो वन बोलेंगे कि मैनी बोलेंगे, तो वन को हम कभी कभी ऐसे लिखेंगे, एक लिख देंगे, मैनी को कभी कभी हम ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत है ना, दो मतलब एक से ज्यादा, दो मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। हाँ हेलो छाप लो, गुड मॉर्निंग, हाँ बोलिए, हाँ आइए ना,
ठीक है, समझ में आ गया। हम वन को कैसे लिखेंगे? एक लिखेंगे। वन को क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे तो समझ जाएगा ना, ओ एनी वन लिखने में बहुत मेहनत है। हम अपने एक नंबर का कोरिया है, तुमको भी एक नंबर का कोरिया बनना है। क्या बनना है? कोरिया बनेगा, एक नंबर का कोरिया, एक नंबर का बनना। देखो तू मैनी को कितना लिखना पड़ता, एम ए एन वाई ना लिखना पड़ता, चुपचाप क्या लिख देंगे? टू। इसी को बोलते हैं सिंगुलर, इसको बोलते हैं सॉरी, इसको बोलते हैं सिंगुलर, उल्टा बोल क्या, इसको बोलते हैं सिंगुलर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लुरल। हम सिंगुलर प्लुरल नहीं बोलेंगे, ओल्ड भाषा हो गया, नहीं का भाषा सब सीखो। अब बोलना वन, अब बोलना मैनी, या बोला वन बोला, लिखना होगा तो वन और टू लिखना, लिखना होगा तो क्या लिखेगा? वन और टू, वन टू पे समझेंगे। क्लियर है ना? चलो ये समझ में आ गया। आई के साथ वर्ब का क्या मा, वी के साथ क्या मा, यू के साथ क्या मा, दे के साथ क्या मा, एक से ज्यादा के साथ, तो बॉयज एक है, कैसे ज्यादा है? एक से ज्यादा है। क्लियर है ना? चलो इतना छाप दो, रहने दो।